हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि शुड हैव के साथ में हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है इस स्ट्रक्चर का, उसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है टू रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और डिड नॉट हैपन। मतलब अभी क्या है रिग्रेट का मतलब समझ लीजिए। पहले आप रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, एहसास होना, ठीक है, पछतावा होना, पछताना किसी चीज़ के लिए। वो कह रहा है टू रिग्रेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पछतावा करने के लिए, दैट जो कि हैपेंड हो गया था और डिड नॉट हैपन। मतलब ऐसे किसी भी काम के बारे में रिग्रेट करने के लिए, अफसोस करने के लिए, जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, या नहीं होना चाहिए था और हो गया, अब हम पछता रहे हैं। ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखिएगा हिंदी में कैसे बोलते हैं, करना प्लस चाहिए था, बताना प्लस चाहिए था। मतलब किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया और अब आप कह रहे हैं कि आपको बताना चाहिए था, जाना चाहिए था, लिखना चाहिए था, समझ रहे हैं ना। आपने किसी को इनवाइट नहीं किया और अब पछता रहे हैं कि यार मुझे ना उसको इनवाइट करना चाहिए था। तो जब हम अफसोस जाहिर करते हैं, जब हम पछताते हैं, एट दैट टाइम वी यूज दिस स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा करना प्लस चाहिए था तो शुड हैव डन, बताना चाहिए था शुड हैव टोल्ड, लिखना चाहिए था शुड हैव रिटन, खेलना चाहिए था शुड हैव प्लेड, ओके, और इनवाइट करना चाहिए था शुड हैव इनवाइटेड। किसे इनवाइट करना चाहिए था? अब मैं कहता हूं कि मुझे ना अमीन को इनवाइट करना चाहिए था, आई शुड हैव इनवाइटेड अमीन। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, शी शुड हैव स्टडीड। तो जब किसी को कोई काम पास्ट में करना चाहिए था तब जाके हम किसका यूज़ करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और अगर हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं, किससे अफसोस जाहिर कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में, अगर आपको नेगेटिव सेंस में बोलना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, शुड नॉट हैव, ओके, शुड नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे अगर मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं जाना चाहिए था तो आई शुड नॉट हैव गॉन, यानी कि जो नॉट है हमारा वो शुड और हैव के बीच में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है, अब मैं कहूँगा कि मुझे ना उसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्लैप्ड हर। अब मान लीजिए किसी को आपने पैसे दे दिए, ओके, अब वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे उसको पैसे नहीं देने चाहिए थे, आई शुड नॉट हैव गिवन हिम मनी। तो जब हमें कोई काम करना चाहिए था और हमने वो नहीं किया तो हम किसका यूज कर रहे हैं, शुड हैव का, और जब हमें कोई काम नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया तो किसका यूज कर रहे हैं, शुड नॉट हैव का। जैसे तुम्हें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। आपको लेट नहीं उठना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉट अप लेट। तो जब इस तरह की कोई बात होती है, अफसोस की कोई बात होती है, रिग्रेट करते हैं, या फिर हम कभी कभी इसका यूज़ कहाँ पर भी कर सकते हैं, जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं पास्ट में, एंगर दिखाने के लिए भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपका पेन तोड़ दिया, अब आप कह रहे हैं यू शुड नॉट हैव टच्ड माई पेन, कि आपको मेरा पेन नहीं छूना चाहिए था। अब आपका लैपटॉप कोई आपसे आपकी बिना आज्ञा के क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो अब आपको गुस्सा आ गया, आप बोले यू शुड नॉट हैव टच्ड माई लैपटॉप विदाउट माई परमिशन। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, सो यू बेटर प्रैक्टिस एज मच यू कैन।
होप आपको समझ में आया होगा, और हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।